नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र। पिछले 6 महीने से हम उद्यमेश्वर तंत्र के बारे में हर सप्ताह एक एक यक्षिणी के बारे में बात करते हैं। आज 16वीं यक्षिणी के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है मेखला यक्षिणी। मेखला यक्षिणी के बारे में सिर्फ उद्यमेश्वर तंत्र में नहीं, रावण संहिता में, काली किताब में हर जगह वर्णन है। क्यों इतना महत्व है मेखला यक्षिणी का? क्योंकि मेखला यक्षिणी वो यक्षिणी है जो आपको वो दृष्टि देती है जिससे वो चीज़ें आप देख सके जो एक आम नेत्र नहीं देख सकता है। जैसे अगर ज़मीन के अंदर खजाना गड़ा हो तो आपको वो दृष्टि मिलेगी कि आप उस खजाने को देख सको। मेखला यक्षिणी की साधना गृहस्थ भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल साधना है और बड़े विस्तारपूर्वक ढंग में मैं आपको बताऊंगा। मेखला यक्षिणी के बारे में और भी जगहों पर बहुत सारे विषय लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सही तरीके से उनकी साधना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि इनकी साधना में अल्टरनेट्स दिए हुए हैं कि अगर ये नहीं तो ये सही। मैंने हमेशा बोला है कि तंत्र में किसी तरह का अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो मेखला यक्षिणी की साधना में तो बिल्कुल ही अल्टरनेट नहीं होता है। करना क्या होगा? सबसे पहले एक 12 छोर वाला यंत्र बनाइए, जैसा मैंने पहले यक्षिणी की साधना में बताया रखा है। उसमें उसके बाद इस यंत्र पर आप आगे 14 दिन तक पूजा करेंगे, ठीक है। मधुका का पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे यक्षिणी की साधना होती है, मतलब मेखला यक्षिणी की जो साधना होगी वो मधुका वृक्ष के नीचे होगी। आपको 14 दिन में 14,000 जाप करना है, मतलब हर रोज़ का 1,000 जाप, ठीक है। और उसके बाद मधुका के 1,000 पुष्पों से मधुका का ही लकड़ी रहेगा, उस पर हवन होगा और ये 1,000 फूल जो है आप उस पर डालेंगे, ठीक है। तो ये पूरी विधि है, मतलब 14 दिन तक आपने रोज़ 1,000 जाप किया और उसके बाद 1,000 का हवन किया मधुका के फूल से, मधुका की संहिता पे, मधुका की ही लकड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से जो मेखला यक्षिणी है वो प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। तो मेखला का मंत्र क्या है वो सुन लीजिए। मेखला का मंत्र है ओम क्रोम मदन मेखले नमः स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम क्रोम मदन मेखले नमः स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम क्रोम मदन मेखले नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको रोज 1,000 जाप करना है 14 दिनों तक। ऐसा करने से मेखला यक्षिणी प्रसन्न होकर के आपके सामने आती हैं और उसके बाद आपको वो एक काजल देती हैं। ये जो काजल होता है, इस काजल को आँख में आप लगाएंगे, जैसे ही आप आँख में लगाएंगे तो आपको ज़मीन के नीचे की चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम लोग अपने खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं वो देख पाएंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार अगली यक्षिणी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तंत्र में कभी भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। मेखला यक्षिणी के बारे में अगर कोई बताए कि आप पलाश के पेड़ के नीचे बैठ जाओ या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ और इस फूल के बदले उस फूल का उपयोग कर लो, तो ऐसी त्रुटि मत करना, क्योंकि वो समय और हर चीज़ का एक बर्बादी होगा। आप लोगों को बार बार मैं बताता हूँ कि तंत्र में किसी चीज़ का अल्टरनेट नहीं होता है, इस साधना में भी किसी चीज़ का अल्टरनेट नहीं है। बेसिक साधना, बंधन वंदन मंत्र, भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है, तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश, अलाख आदेश।